आगे अभी दोस्तों मैं भी निकल गया हूँ यहाँ सीधा टेलर की खोज में, और टेलर की खोज में इसलिए जा रहा हूँ सर दोस्तों मैं इतना खा दूंगी जो आपने सोची भी ना होगी। और बड़ा परेशान हो रखा हूँ दोस्तों, तो मजबूरी में ना ये कदम मुझे उठाना पड़ रहा है, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि ये मॉल ना ठीक दोस्तों मेट्रो स्टेशन के सामने है, जैसे आप एग्जिट करोगे ना तो वहीं से सीधा इस मॉल में जाने का रास्ता है। इससे ना एक चीज का फायदा होगा कि आगे से ना बिल्कुल भी नाम गलत नहीं होंगे, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। काम वाली बाई कहाँ से मंगाई आपने? फ्री में काम, तो मजबूरी है दोस्तों, मजबूरी में मेरे को ये काम कराना पड़ रहा है। और बहुत सारे कमेंट दोस्तों इस तरीके से भी पड़ रहे थे कि राकेश भाई के 5 सवालों का जवाब नहीं दिया, जब तक वो नहीं दोगे बल क्यों पूरा नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी घर पे ना भाई दोस्तों यहाँ दीपक भाई मिल गए हैं। तो दीपक भाई जी क्या हाल है आपके? अरे आप हाथ में मिलाओ पहले। अब आ गया हूँ दोस्तों मैं ठीक सेंट्रो की तरफ, और आज मैं आपको गुड़गांव के सारे मॉल घुमाता हूँ। तो जल्दी से हमारे 20 के सब्सक्राइबर कराओ, उसके बाद एक क्यों और बनाएंगे उसमें। यहाँ देखो भाई दोस्तों, जो आज की वीडियो की शुरुआत है ना वो भी इतने खतरनाक से मौसम के साथ शुरू हो रही है, यानी धूप लगी हुई है बड़ी भयंकर सी। और अब ना दोस्तों दिल्ली में ना खतरनाक धूप लगना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है इस धूप में, खतरनाक गर्मी हो रही है भाई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से और इस प्यारे से नगर आई नगर से, जहां से मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो बना रहा हूं। आज की जो वीडियो की शुरुआत है ना दोस्तों वो भी काफी ज्यादा लेट शुरू हो रही है, अभी ना दिन के ठीक 1 बजे का टाइम हो गया है, और पीछे से आपको थोड़ी सी कटकट की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि ना दोस्तों यहाँ पे ना जितनी गली जो भी है गलियां वगैरह है ना, तो यहाँ पे ना मकानों का ही काम चल रहा है लगातार से, तो इसीलिए ना आपको थोड़ी सी कटकट की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। बाकी दोस्तों जो शाम की रोटियां बची होती है ना, तो डेली ना एक गाय तो कन्फर्मली कन्फर्म आती है, मतलब ये बढ़िया है दोस्तों कि गाय डेली आ जाती है, तो जो भी बच जाता है ना तो वो गाय माता को दे देते हैं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। लिए भाई दोस्तों इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से आरुषि से, और आरुषि फिलहाल देखो क्या खेलने पे लगी हुई है। ये क्या बना रखा है? टिप टॉप। हाँ। ये क्या होता है? आप खेलोगे? क्या होता है इसमें? आपको एक नो कलर चूज करना, चूज करो। ठीक है, ये पिंक कर दिया मैंने। चल ये INK, इन चारों में से एक नंबर चूज करो। आप चारों में से एक नंबर चूज करना है? चलो 6 कर दिया। आप इन चारों में से चूज करो। आए कितने? 8 कर दिया। ठीक है, सबसे पहले में। अच्छा तो इससे क्या होता है? ये मतलब चुड़ैल है, ये चुड़ैल है वाला। इसमें पता चल रहा है क्या बनूंगा मैं? आप क्वीन बनोगे, क्वीन। क्या बनूंगा मैं? क्वीन। भाई दोस्तों ये कह रहे हैं आप क्वीन बनोगे। बाकी मिलिए भाई दोस्तों हमारी आदिति से, और आदिति भी आज बड़ी स्मार्ट लग रही है। क्या बात है आदिति, इतना स्मार्ट कैसे लग रहे हो आज? अच्छा सोनी दीदी ने लाया आज भाई दोस्तों, बस सोनी दीदी ने नहलाया तो बल इसीलिए आज बल स्मार्ट लग रही हूँ। क्या सोनी दीदी के नहलाने में जादू है क्या? नहीं, वो है? बैंगन। क्या है? बैंगन। साथ में तेंगे तेंगे भी, वो भी। अरे वाह वाह वाह, बड़े खतरनाक है दोस्तों ये दोनों भी। भाई दोस्तों इतनी खतरनाक कॉमेडी करते है ना ये भी, जब इनकी बातें सुनोगे ना आप भी बोलोगे क्या खतरनाक है ये भी। इन चेहरे से मिलिए दोस्तों, ये तो काफी पुराना चेहरा है हमारे ब्लॉग में, यानी हमारी जादू। और यहाँ से ना ऑर्डर चला रही है बल, खैर सोरो बल पहले, उसके बाद होगा जो होगा। और यहाँ देखो पूरा कूड़ा उठाने लग गया है, क्योंकि इसने ही पहला रखा है ये सारा का सारा कूड़ा, इतने कागज फाड़ते है ना ये, क्या ही बताऊं भाई। भाई दोस्तों यहाँ देखो इतने छोटे छोटे बच्चों पे ना, बना के रखा। तो कल जो क्यों ने वीडियो बनाई थी तो वो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ना काफी सारे लोग हैं नाम उसमें से थोड़ा सा गलत हो गए थे, पर आपने गलत बोले, और बट उस टाइम ना दोस्तों मुझे वही दिखा रहा था, जैसे कि तनु गुड़ियाल करके एक कमेंट आया था, तनु गुड़ियाल करके आया था कि तनु रावत करके आया था, बल आपने कमेंट तो सही किया, बल आपने तनु कर दिया और फिर गुड़ियाल रावत करके आए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी हो रही थी, क्योंकि यूजर आईडी में आपका नाम कुछ और रहता है, कहीं पे कुछ दिखाई देता है और वैसे नाम कुछ और रहता है, तो मैंने कमेंट जो पढ़े थे ना वो यूजर आईडी के हिसाब से पढ़े थे, तो इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक उनमें हो गई थी, उनमें से 2-3 नाम गलत हो गए थे, तो उसके लिए ना मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और आगे से ना मैं एक काम करूंगा कि आईडी के अंदर घुसूंगा और आईडी में नाम पढ़ूंगा, उसके बाद कमेंट के रिप्लाई करूंगा, तो इससे ना एक चीज का फायदा होगा कि आगे से ना बिल्कुल भी नाम गलत नहीं होंगे, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, और बहुत सारे कमेंट दोस्तों इस तरीके से भी पढ़ रहे थे कि राकेश भाई के 5 सवालों का जवाब नहीं दिया, जब तक वो नहीं दोगे बल क्यों पूरा नहीं होगा, तो जल्दी से हमारे 20 के सब्सक्राइबर कराओ, उसके बाद एक क्यों और बनाएंगे, उसमें सारी चीजों का जवाब दे देंगे।
बट इसमें भी दोस्तों एक कंडीशन है, यानी एक शर्त है, अगर 2 महीने के अंदर अंदर 20,000 सब्सक्राइबर हो गए तो जो वो 4 क्वेश्चन है तो उनके ना सच सच रिप्लाई दूंगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा अगर 2 महीने के अंदर अंदर 20,000 सब्सक्राइबर हो गए तो, और नहीं हो पाए तो फिर मुश्किल है भाई, इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं दे सकता इन सवालों का। बट अगर 20 के करवा दिए तो सीधा बूम बाम बता दूंगा। तो चलो दोस्तों, हम 2 बजे का टाइम भी हो चुका है और हमारे खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। चलिए दोस्तों, हम खाना खाने के बाद आपको फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना खा दूंगी जो आपने सोची भी ना होगी। तो दोस्तों, मेरे खाने के बाद फिर ये अगर सही जाएगी बात फिर बहुत बड़ा बड़ा निकालेगी। क्या निकालेगी? बहुत बड़ा बड़ा हूँ निकालेगी। ओ भाई साहब, ओए भाई, दोस्तों इतने खतरनाक है ना ये, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं भाई। बाकी दोस्तों, परसों यहाँ होली वगैरह खेली ना तो कमरे में ही खेलने लग गए थे, तो इसके चक्कर में देखो पूरा ना यहाँ कलर वगैरह लग गया है और दीवारों के हाल तो ऐसे हो रखे ना, क्या ही बताऊँ, देखने में ना बहुत गंदे लग रहे हैं भाई। तो दोस्तों, हमने 25 को होली खेली थी, तो दोस्तों पहले तो हमने इस रूम को गंदा किया, यहाँ अंदर वाले रूम में हमने एक एक आगे आदि थी, आगे से मैं पीछे से, हम दोनों ने पिचकारी लेके हथियार बना के युद्ध करने लग गए। तो गंदा किया तो अब सफाई भी करनी है, यानी पेंट वगैरह करना है, तो पेंट वगैरह भी कर देना आप, ठीक है? चलो देखते हैं, पेंट तो बहुत सस्ता आता है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, दीवार में तो खराब हो जाएगी, पक्का हो जाएगा ना, देखते कब तक होगा। पता नहीं, मेरे पापा से पूछेंगे। अच्छा ठीक है, कब तक होगा? अप्रैल तक। तो आदिति बोल रही है दोस्तों, बोल अप्रैल तक हो जाएगा, तो चलो देखते हैं। काम वाली बाई ये कहाँ से मंगाई आपने? तो दोस्तों मैं बता दी, हमने काम वाली बाई कहाँ से मंगाया, दोस्तों हमने लंदन से मंगाया, फुल ऑफ। सो फ्री। फ्री में काम करती है क्या? अरे वाह, भाई दोस्तों खाने का टाइम हो गया है और इस बेचारे ने देखो कितना सारा खाना मेरे लिए रख दिया है, सीधे मुंह पे ही लग रहा है। हमारे पहाड़ी में बोला जाता है ना कि ज़्यादा रख दो तो मुंह पे लग जाता है, फिर वो खाया नहीं जाता। बाकी जैसे हमारी आदिति ने आपको कहा था ना कि इतना खा दूंगी कि आपने सोची ना होगी, तो उसी तरीके से देखो भाई दोस्तों, थाली साफ भी हो गई है, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। तो आदिति कितना खा देगी? तो दोस्तों, हमारा खाना पीना भी हो चुका है और हमारे ट्यूशन का टाइम भी हो चुका है और हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो चलो मिलते हैं 5:30 बजे, तो तब तक के लिए बाय। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का और हम ट्यूशन से आते हैं 5:30 बजे तक। आगे अभी दोस्तों मैं भी निकल गया हूँ यहाँ सीधा टेलर की खोज में, और टेलर की खोज में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये वाली देखो जींस थी, ये मैंने मिंत्रा से मंगाई हुई है और वैसे तो जल्दी आ गई, इसकी वेटिंग बता रहा था दोस्तों कल या परसों की, बट बहुत जल्दी आ गई, तो चलो बढ़िया है जल्दी आ गई। तो बाकी ना काफ़ी लंबी है तो इसको कटवाना है, वैसे तो घर पर भी काफ़ी सारे टेलर हैं बट क्या करें, ये काम ना हमारे लड़कों का काम करना आता होगा वही कर पाएगा, क्योंकि जो नीचे की बॉर्डरिंग होती है यानी सिलाई होती है ना, तो उसको सेट करवाना है, तो सेम वही वाली सिलाई चाहिए। अगर मैं घर पे रहता ना तो मैंने खुद ही कर देना था ये वाला काम भी। तो चलो भाई दोस्तों, अभी ना हमें बढ़िया से टेलर भाई जी मिल गए हैं और फिलहाल यहाँ पे खूब सारी भीड़ हो रही है और इन ताऊ जी के साथ ना अभी तक तगड़ा सा मजाक चल रहा था, फिलहाल इनका काम हो रहा है, इसके बाद हम करवाते हैं। चलो भाई दोस्तों, अभी ना जिनसे का काम बढ़िया से हो गया है और जिनसे भी बढ़िया एकदम रेड पैट वाली, तो चलो अब ट्राई करके देखते हैं कि कैसी है। तब देखो भाई दोस्तों, जैसे मैं घर पहुंचा ना तो ये भी ट्यूशन से आ गए हैं और देखो फिर से ना देखो सपड़ होना शुरू हो गया है, दाल चावल खा रहे हैं जो दिन का दाना फिर से दोबारा खा रहे हैं, तो चलो खाओ कम से कम पहली बार ही खाना तो खा रहे हैं दोस्तों, नहीं तो ना बहुत कम खाना खाते हैं, मतलब इनका खाना ऐसा है ना दोस्तों, जैसे बोलते ना कि चकलों का खाना, चकलो हमारे यहाँ चिड़िया को बोलते हैं, तो बोलते हैं ना चिड़िया का खाना, तो वैसे इनका खाना भी, तो आज खाना खा रहे हैं तो बढ़िया है। लो भाई दोस्तों ना, अभी ठीक 6:30 का टाइम भी हो गया है और मैं भी ना देखो मस्त रेड पैट हो गया हूं। जो मैंने जींस करवाई थी ना देखो उसका लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है और बढ़िया हो गई है। तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मार्केट की तरफ और बड़ा परेशान हो रखा हूँ दोस्तों, तो मजबूरी में ना ये कदम मुझे उठाना पड़ रहा है, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि जो मेरी आइडिया की सिम है ना उसको मेरे को एयरटेल में पोर्ट कराना पड़ेगा, यहाँ जो जियो का 5G है ना वो चल ही नहीं रहा है ठीक से, तो उसके चक्कर में ना मेरे को वीडियो अपलोड करने में ना बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसी के चक्कर में ना अब मेरे को ना आइडिया की सिम को एयरटेल में करना पड़ेगा क्योंकि एयरटेल यहाँ बढ़िया चल रहा है और जियो को मैं करवा नहीं सकता क्योंकि गाँव में जियो ही चलता है। तो मजबूरी है दोस्तों, मजबूरी में मेरे को ये काम कराना पड़ रहा है,
बाकी फिर मेरे को ना घर पे जाके थोड़ी सी आइडिया की जरूरत पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी घर पे ना दोनों चीज नहीं चलती। बाकी अभी शाम का मौसम है तो देखो कितना प्यारा सा हो रखा है ना आसमान में, देखो जो लालिमा छा रही है ना वो बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे है दोस्तों आई नगर की मंडी, तो यहाँ पे ना भीड़ का कुछ खतरनाक सा माहौल बना हुआ है फिलहाल। और अभी ना दोस्तों मैंने आधा आई नगर छान मार लिया है, बट उनमें ना मेरे को दो तीन दुकानें मिली जहाँ मैं सिम चेंज करवा सकता हूँ, बट वहाँ ना इतनी खतरनाक भीड़ हो रही थी क्या ही बताऊँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों गुड़गांव की तरफ, और यहाँ देखो पूरे मेट्रो स्टेशन में ना इतनी सारी चिड़िया आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे आई नगर की चिड़िया यहीं आ गई है, और फिलहाल इतना शोर कर रही है ना कि क्या ही बताऊँ। बाकी अभी ठीक मेट्रो स्टेशन पे हूँ, तो यहाँ से जाऊँगा सीधा गुड़गांव की तरफ। जो सिम का काम है ना दोस्तों वो अब आधे टाइम कराऊंगा, और अभी गुड़गांव में थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा एमजी रोड की तरफ एक काम है तो वहाँ जा रहा हूँ, और भाई लोगों को मिल के आऊँगा, थोड़ा सा काम भी निपटा के आऊँगा। बाकी जैसे मेट्रो आएगी ना फिर जाके निकलूंगा। मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी। चलो भाई दोस्तों अभी फाइनली पहुंच गया हूँ ठीक एमजी रोड में, और अभी हूँ ठीक सुपर स्टॉप मॉल के बाहर, और यहाँ से भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई। और ये मॉल ना ठीक दोस्तों मेट्रो स्टेशन के सामने है, जैसे आप एग्जिट करोगे ना तो वहीं से सीधा इस मॉल में जाने का रास्ता है। बाकी दोस्तों इस मॉल की बात करें तो काफ़ी बड़ा मॉल है भाई दोस्तों ये भी। यहाँ से देखो कुछ यहाँ आगे के लिए फैल रखा है, कुछ इतना है, और तीन फ्लोर इस पे हैं ऊपर के लिए। और मैं तो यहाँ ना दोस्तों एसी की हवा खाने आ रखा हूँ बस, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में ये जितने भी मॉल है ना लगभग सारे मॉल तो मैंने पहले से ही घूम रखे हैं ये। अब आ गया हूँ दोस्तों मैं ठीक सेंट्रो की तरफ, और आज मैं आपको गुड़गांव के सारे मॉल घुमाता हूँ। बाकी दोस्तों इस मॉल की जो कस्टमर वॉकिंग है ना वो हमेशा डेली है, यहाँ मैं ही एक कस्टमर हूँ बस। यहाँ देखो भाई दोस्तों यहाँ दीपक भाई मिल गए हैं, तो दीपक भाई जी क्या हाल है आपके? अरे आप हाथ में मिलाओ पहले। क्या हाल है? बढ़िया। ₹50 ओवर एक्टिंग के। बढ़िया है, ले लो यार, एक मुझे भी दिला दो। अपने राहुल भाई से भाई को ही मिलने आया था, चल भाई है, मिलते हैं। क्या कर रहे है यार? ये ना तो है दोस्तों इसके साथ ना बहुत तगड़ी आ रही है भाई, दिल्ली का एक मात्र दोस्त है मेरा जो सबसे तगड़ा दोस्त है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, बट ये था सीन कि भाई ने कुछ नहीं दिलाया यार हमें। 5000 रुपए लेके चलिए, बड़ा वाला गरीब आदमी क्या करेगा, अपने वाले अड्डे पे चला है। ठीक है तब मिलते हैं। ठीक है भाई जी, मिलते हैं तो बाय बाय। ठीक है ओके। चलो भाई दोस्तों अब निकलता हूँ यहाँ से भी सीधा अपने रूम की तरफ। चलो भाई दोस्तों जिस काम के लिए आया था ना वो काम भी हो गया है, तो अब जितने दिन यहाँ रहूंगा ना तो इसका यूज करूंगा। साथ ही में यहाँ देखो भाई दोस्तों आते आते ना हमें कौन मिल गया है। कौन हो भाई आप? सलमान खान। सलमान भाई दोस्तों बस सलमान खान हो बोले एरोली मल्ली का। अरे वाह, तो मैं कौन हूँ फिर? ऋतिक रोशन। हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे।